वाराणसी से किरण नाई, वरिष्ठ पत्रकार की खास रिपोर्ट। शंकराचार्य घाट पर कोरोना काल में असंख्य मृत आत्माओं की सदगति को हुआ त्रिपिंडी श्राद्ध व तर्पण का आयोजन हुआ संपन्न। काशी के केदार क्षेत्र के शंकराचार्य घाट पर कोरोना काल में काल कवलित हुए असंख्य जीवात्माओं की सदगति के लिए आचार्य पम अवग्राम पांडेय जी के आचार्यत्व में त्रिपिंडी श्राद्ध व तर्पण का हुआ। इस समाचार को सोशल मीडिया व अखबारों में पका। हरियाणा के श्री सुरेश मानचंदा जी काशी आए और परमाराध्य परमधर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी महाराज से उन्होंने अनुरोध किया कि 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के समय जो लगभग 20 लाख लोग मारे गए थे, उनका भी अंतिम संस्कार उस समय नहीं हो पाया था, इसलिए उन सबकी सदगति के लिए भी आज श्राद्ध तर्पण कर दिया जाए। शंकराचार्य जी महाराज ने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया और शंकराचार्य घाट पर ही यह विधि भी आज सम्पन्न हुई। श्रीमद भागवत मुक्ति कथा ग्रंथ का विमोचन आप सबको जानकारी है ही कि परमाराध्य शंकराचार्य जी महाराज ने अपने YouTube चैनल 1008 गुरु पर मृतात्माओं की सद्गति के लिए श्रीमद् भागवत मुक्ति कथा सुनाई। जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की पूर्णाभिषिक्त शिष्या साध्वी पूर्णाम्बा जी व साध्वी शारदाम्बा जी ने गंगारविंद मिश्र जी, डॉक्टर लता पांडेय जी व डॉक्टर मंजरी पांडेय जी आदि अनेक सहयोगियों के साथ मिलकर महाराज जी की कथा को प्रतिदिन लिपिबद्ध किया और पुस्तक के रूप में शंकराचार्य जी को समर्पित किया। शंकराचार्य जी महाराज ने इस मुक्ति कथा ग्रंथ का आज विमोचन किया। शंकराचार्य जी महाराज ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा कि यह अपने आप में एक विशिष्ट कीर्तिमान है कि कथा विश्राम के चंद घंटों के उपरांत ही पुस्तक तैयार हो गई और आठवें दिन पुस्तक का विमोचन भी हो गया। उन्होंने पुस्तक तैयार करने वाले सभी सहयोगियों को आशीर्वाद प्रदान किया। शारदीय नवरात्र पर होंगे विविध धार्मिक अनुष्ठान। परमाराध्य शंकराचार्य जी ने कहा कि शारदीय नवरात्रि पर श्री विद्यामठ में शतचंडी महायज्ञ और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। 4000 मोदकों से गणपति पूजन, शतचंडी महायज्ञ, महारुद्र यज्ञ, 64 योगिनियों के रूप में 64 कन्याओं का पूजन, भैरव पूजन, 108 सुवासिनी पूजन, 11 रुद्र दंपति पूजन कुंभकोणम से पधारे श्री प्रवीण जी के आचार्यत्व में संपन्न होगा। इसके उपरांत 1.25 लाख मोदकों से हवन किया जाएगा। यह अनुष्ठान 15 दिनों का होगा, जिसके अंतर्गत यह सभी आयोजन श्री विद्यामठ में संपन्न किए जाएंगे। शंकराचार्य जी जबलपुर में मनाएंगे शारदीय नवरात्रि उत्सव। शंकराचार्य जी महाराज आज अपराह्न 2 बजे जबलपुर के बगलामुखी सिद्धपीठ के लिए प्रस्थान कर गए। वहां वे आगामी 9 दिनों तक पराम्बा भगवती की आराधना संपन्न करेंगे। मुक्ति कथा का आयोजन श्री गौरव तिवारी, श्रीमती विभा शर्मा ने किया। लोकार्पण और अन्य कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सर्वश्री साध्वी पूर्णाम्बा दीदी जी, साध्वी शारदम्बा दीदी, मीडिया प्रभारी संजय पांडे, डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी, श्री भगवान वेदांताचार्य परमेश्वर दत्त, शुक्ल कमलाकांत त्रिपाठी, राजेंद्र तिवारी, शैलेंद्र सिंह योगी, यतीन्द्र चतुर्वेदी, रमेश उपाध्याय, पम सदानंद तिवारी, आनंद उपाध्याय, लता पांडेय, मंजरी पांडेय, माधुरी पांडेय, सुनीता श्रीवास्तव, किशन जायसवाल, पीयूष तिवारी, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव, रविन्द्र मिश्रा आदि लोग सम्मिलित थे। Thank you.